हेलो बच्चों, कल हम लोग बात कर रहे थे बिलियन के बारे में। बिलियन के बारे में हमने थोड़ा सा बेसिक जाना था, फिर उसमें हमने बिलियन के प्रकार बताए थे आप लोगों को, फिर लास्ट में हमने बताया था विलेयता। विलेयता को डिफाइन करने के बाद जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा बिलियन के प्रकार। तो जो हमारा बिलियन के प्रकार होते हैं उसमें जो हमारा सबसे पहला बिलियन है वो हमारा है असंतृप्त विलयन, जिसे हम लोग बोलते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। आप लोग इसके बारे में पहले से भी जानते होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा विलयन, या फिर कह सकते हैं जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा यदि उसकी विलेयता से कम होती है तो वह विलयन हमारा असंतृप्त विलयन कहलाता है। जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा यदि उसकी विलेयता से कम होती है तो वह विलयन असंतृप्त विलयन हमारा कहलाता है। सपोज दैट कोई भी हमारा बिलियन है, अब उस बिलियन में हमने यहाँ पर 100 ग्राम विलायक लिया है, उस 100 ग्राम विलायक में हमने 30 ग्राम विलेय को डिजॉल्व कर दिया है। अब इस 30 ग्राम विलेय से ज़्यादा वहाँ पर डिजॉल्व नहीं होगा एक निश्चित ताप पर। अब उसी 100 ग्राम विलायक में हमने 30 की बजाय 28 ग्राम यहाँ पर विलेय को डिजॉल्व कर दिया। होना कितना चाहिए 30 ग्राम, लेकिन हमने बाद में कितना किया 28 ग्राम किया है। तो इसका मतलब है कि वह जो बिलियन हमारा होगा वो असंतृप्त बिलियन, उसकी कैपेसिटी 30 ग्राम पर 100 ग्राम विलायक में डिजोल्यूशन होने की थी, लेकिन अब वहाँ पर हमने 28 ग्राम को ही डिजॉल्व किया, 2 ग्राम को हमने यहाँ पर छोड़ दिया। इसका मतलब जो हमारा बिलियन होगा वो असंतृप्त बिलियन होगा। अगला हमारा है सेचुरेट सल्यूशन संतृप्त बिलियन। संतृप्त बिलियन वह बिलियन होता है जिसमें उस ताप पर और अधिक विलेय ना घोला जा सके। संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें उस ताप पर और अधिक विलयन हमारा ना घोला जा सके। हमने यहाँ पर ताप को निश्चित कर दिया है। व्यवहारिक भाषा में देखा जाए तो जैसे हम लोग चीनी का विलयन बनाते हैं तो पानी ले लेते हैं, पानी में हम लोग चीनी को घोलते जाते हैं घोलते जाते हैं, लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है कि उस जल में उस विलयन में चीनी का घुलना हमारा बंद हो जाता है और जो चीनी होती है वो नीचे सेटल हो जाती है। तो जो इस प्रकार का विलयन आपको प्राप्त होगा वो हमारा संतृप्त विलयन होगा, मतलब उसमें हम और चीनी की मात्रा को नहीं घोल सकते, जितने उसकी कैपेसिटी थी उस विलयन में उतनी चीनी यहाँ पर डिजॉल्व हो गई है। तो जो ऐसा विलयन हमारा होगा वो हमारा होगा संतृप्त विलयन होगा। अगला हमारा होता है अतिसंतृप्त विलयन, जिसे हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन को भी हम लोग असंतृप्त विलयन में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कहा जाए कि जो हमारी विशेष परिस्थितियों में होती हैं उस विशेष परिस्थितियों में निश्चित ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ की मात्रा विलयन में उपस्थित हो तो वो अतिसंतृप्त विलयन कहलाता है। हम व्यवहारिक भाषा में जाए तभी हमने बताया था कि निश्चित ताप पर यदि किसी विलयन में जो ठोस की विलेयता है वो 30 ग्राम पर 100 ग्राम विलायक में है। अब 30 ग्राम यहाँ पर 30 ग्राम से ज़्यादा यहाँ पर हम यहाँ पर घोल नहीं सकते, लेकिन हम लोग क्या करें विशेष परिस्थिति को बढ़ा दें, हम ताप को बढ़ा दे रहे हैं। हो सकता है कि इस 100 ग्राम विलायक में 32 ग्राम यहाँ पर चीनी डिजॉल्व हो जाए, 32 ग्राम नमक यहाँ पर डिजॉल्व हो जाए। तो सेचुरेट 30 ग्राम पर 100 ग्राम विलायक में था, अब यहाँ पर ये 32 ग्राम यदि डिजॉल्व हो जा रहा है तो जो हमारा विलयन होगा वो अतिसंतृप्त विलयन होगा। एग्जाम्पल के लिए यदि हम लोग बात करें तो जो सोडियम थायोसल्फेट होता है Na2S2O3 × 5H2O और क्लावर मिश्रण Na2SO4 × 10H2O, ये दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं अतिसंतृप्त विलयन के। हम सोडियम थायोसल्फेट को साधारण ताप से थोड़ा बढ़ा करके ताप पर हम लोग जब इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट की अधिक मात्रा यहाँ पर डिजॉल्व हो जाती है। जो हमारा विलयन होगा वो हमारा अतिसंतृप्त विलयन होगा। इसी प्रकार ग्लावर मिश्रण को जब हम अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट की अधिक मात्रा वहाँ पर डिजॉल्व हो जाती है। जो हमारा विलयन बनेगा वो हमारा होगा अतिसंतृप्त विलयन। अब इस विलेयता को प्रभावित करने वाले हमारे कारक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला कारक यहाँ पर हमारा है ताप। जैसे किसी भी विलयन की विलेयता, किसी भी विलयन की जो विलेयता होती है उसमें कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभावित कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पर हमारा है ताप। तो जो ताप होता है वो विलेयता को प्रभावित करता है। जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाते जाएंगे किसी भी विलयन में विलेय की जो विलेयता होती है वो हमारा बढ़ती जाती है। दूसरा हमारा होता है विलेय एवं विलायक की प्रकृति।
अब विलेय एवं विलायक की प्रकृति भी विलेयता को प्रभावित कर सकती है। जैसे हमारा जो ध्रुवीय विलायक होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटर में 11th वाली क्लास में, जो ध्रुवीय विलायक होते हैं वो ऐसे विलायक में ज़्यादा घुलनशील होते हैं जिनकी प्रकृति ध्रुवीय होती है। इसी प्रकार जो हमारे अध्रुवीय विलायक होते हैं, उस अध्रुवीय विलायक में ऐसे पदार्थ ज़्यादा घुलनशील होते हैं जिनकी प्रकृति अध्रुवीय होती है। तो विलेय एवं विलायक की प्रकृति भी विलेयता को प्रभावित करती है कहीं ना कहीं। इसी तरह है समायन प्रभाव। समायन प्रभाव की उपस्थिति कारण भी यहाँ पर हमारा जो विलेयता होता है वो हमारा प्रभावित हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे हेनरी का नियम। तो गैसों में द्रव के जो विलेयता होती है वो हेनरी के नियम के द्वारा बताई गई। तो हेनरी ने यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध नियम दिया जिसे हम लोग हेनरी का नियम ही कहते हैं। तो बात हम समझने का प्रयास करेंगे, वास्तव में जो गैस होती है उसका द्रव में विलेयता कैसे होती है। तो हेनरी एक बार घर से निकले मॉर्निंग वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए गए ही थे। जब वापस आ रहे थे मॉर्निंग वॉक से, तो रास्ते में उनके दोस्त का घर पड़ता था। तो दोस्त के घर पर उन्होंने थोड़ी देर के लिए विश्राम किया। तो दोस्त ने बहुत थका दे करके दोस्त ने उनको पानी दिया। पानी ना दे करके पानी में थोड़ा सा उसने शुगर डाल के दिया। तो हेनरी साहब ने उसको पिया, थोड़ी सी थकान उनकी दूर हुई, तो फिर वो अपने घर वापस चले गए। फिर शाम को जब घूमने निकले तो रास्ते में पुनः उनके दोस्त का घर पड़ा। तो उस समय का जो मौसम था बहुत अच्छा था, तो उन्होंने कहा कि मौसम बढ़िया, दोस्त ने बोला कि मौसम बढ़िया है हेनरी साहब, आइए हम लोग पार्टी करते हैं। तो पार्टी जैसे कि वेस्टर्न कल्चर है, सब लोग जानते होंगे, वहाँ पर अल्कोहल ज़्यादा पिया जाता है। तो उन्होंने पानी लिया, पानी में अल्कोहल डाल करके, सोमरस डाल करके हेनरी को दिया। हेनरी पी गए। फिर जब घर आए तो उन्होंने सोचा कि दो बार हमारे साथ ऐसी घटना हो गई। एक बार द्रव में पानी में चीनी को डाल करके दिया गया, मतलब चीनी यहाँ पर हमारी ठोस है जबकि पानी यहाँ पर हमारा द्रव है। दूसरी बार पानी यहाँ पर भी द्रव है और अल्कोहल भी हमारा यहाँ पर द्रव है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग पानी में गैस को भी डिजॉल्व कर सकते हैं? जब हम द्रव में ठोस को डिजॉल्व कर सकते हैं, द्रव में द्रव को डिजॉल्व कर सकते हैं, तो द्रव में हम लोग गैस को डिजॉल्व क्यों नहीं कर सकते? तो इसके पीछे उन्होंने खोज करना स्टार्ट कर दिया। तो अब उन्होंने क्या किया कि गैस को पानी में घोलते गए घोलते गए घोलते गए, तो ये देखा कि ऐसी बहुत सारी हमारी गैसेस हैं जो पानी में आसानी से घुल जाती हैं, ऐसी बहुत सारी हमारी गैसेस हैं जो पानी में घुलती नहीं है। जो गैसें हमारे पानी में घुल जाती हैं तो जाहिर सी बात है रासायनिक कंपाउंड बनाती हैं, रासायनिक यौगिक बनाती हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, हीलियम की बात करें, नियान की बात करें, क्रिप्टन की बात करें, ये ऐसी गैसें थी जो जल में बहुत कम घुलनशील थी। लेकिन हम लोग अमोनिया की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, तो ये ऐसी गैसें थी जो जल में आसानी से घुल जाती थी। तो अब उनको जो गैसें नहीं घुल रही थी उनको भी उनको घोलना था कि ऐसी कौन सी परिस्थिति हम अपना दें जिससे जो हमारी गैस हो वो घुल जाए। तो उन्होंने प्रेशर को अप्लाई किया, ताप यहाँ पर स्थिर कर दिया, फिर प्रेशर को बढ़ा दिया। तो जैसे जैसे वो प्रेशर को बढ़ाते गए तो देखा कि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं गैस का जो डिजुलेशन है वो बढ़ जा रहा है, मतलब गैस ज़्यादा घुलनशील हो जा रही है। जैसे जैसे प्रेशर को कम कर दे गए वैसे वैसे उसकी विलेयता कम होती गई। तो प्रेशर के अकॉर्डिंग उन्होंने एक नियम दिया और बताया कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा, स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। इसका मतलब जैसे जैसे हमको गैस को विलेय करना है वैसे वैसे हमको ताप को दाब को बढ़ाते जाना है, ताप यहाँ पर हमारा स्थिर रहेगा। तो जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे उस विलयन में गैस की विलेयता हमारी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर W समानुपाती P, जैसे जैसे हम दाब को बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर हमारा विलेयता गैस की बढ़ती जाएगी। या फिर लिख सकते हैं W/P इज इक्वल टू स्थिरांक। यदि गैस का आयतन यहाँ पर हम V mL ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V समानुपाती P₀। अब एक यहाँ पर हम एक समीकरण यहाँ पर हम व्युत्पन्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर P इक्वल टू होता है KH इंटू विलयन में गैस का मोल प्रभार। तो P इक्वल टू KH, अब इस विलयन में गैस का जो मोल प्रभार होता है उसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो P यहाँ पर प्रेशर है, KH यहाँ पर हमारा है हेनरी स्थिरांक, जो यहाँ पर एक्स है तो विलयन में गैस का मोल प्रभार है।
तो जिस गैस के लिए KH का मान जितना अधिक होता है उसकी विलेयता उतनी कम होती है। तो हेनरी स्टर्न का मान जितना कम होगा उसकी विलेयता हमारी उतनी अधिक होती है। सामान्य भाषा में यदि हम लोग बात करें तो आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग सोडा वाटर ले लें, वो सोडा वाटर में थोड़ा सा या तो चीनी मिला दें या तो हम लोग थोड़ा सा नमक मिला दें, तो देखते हैं कि वहाँ से गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती, निकलती रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? अब आप लोग जानते भी होंगे कि जो हमारे द्रव होते हैं उनमें द्रव में अंतरणों का स्थान होता है, तो उस अंतरणों का स्थान में जो गैसें होती हैं वो अपने स्थान को कवर किए रहती हैं। जैसे हम लोग सॉलिड को डालते हैं तो सॉलिड जैसे ही विलयन में जाता है तो वो सॉलिड अंतरणों का स्थान को ले लेता है, तो यहाँ से जो गैस होती है वो इवॉल्व हो जाती है, निकल जाती है। तो ये था हमारा हेनरी का नियम। तो कंक्लूजन यहाँ पर सिर्फ इतना से है कि जैसे जैसे हम दाब को बढ़ाएंगे वैसे वैसे गैस की विलेयता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम दाब को कम करते जाएंगे वैसे वैसे गैस की विलेयता हमारी कम होती चली जाएगी।